बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ लेवल 8, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप यू विल बी ओके एंड फाइन। बेटा टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी जिसको हम KE भी कहते हैं एंड द पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम PE भी कहते हैं। बेटा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 वर्क एंड एनर्जी। इसके अंदर हमने जो है वर्क को डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड और इसकी फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म इसकी जो टाइप्स ऑफ एनर्जी और इसके अंदर डिफरेंस जो है इन दोनों का हम जानने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है उसको हम जानने की उसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। लेट्स मूव टूवर्ड्स एनर्जी। बेटा एनर्जी की डेफिनेशन जैसा कि आप लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी की डेफिनेशन को जो है थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है, थोड़ा इसको लेवल वाइज थोड़ा इसको और डिस्क्राइब किया गया है कि एनर्जी क्या होती है। व्हेन वर्क इज़ डन, जब आप काम कर लेते हैं, मुकम्मल हो गया काम आपका, वेदर बाय एन मशीन और अ पर्सन, चाहे वो काम किसी मशीन ने किया हो या किसी इंसान के ज़रिए हुआ हो, एनर्जी इज़ यूज, उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी यूज़ होती है। हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं, जो हम फूड ईट करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर काम करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। इसी तरीके से हम डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं घरों के अंदर, वॉशिंग मशीन्स हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से जो है हम सेवर जो है वो जलाते हैं तो हम उसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से खाना बनाते हैं हम, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कहीं ना कहीं पर हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बगैर हम काम कर नहीं सकते एनर्जी के बगैर, चाहे वो हम खुद काम करें या किसी मशीन से काम करवाएं, गाड़ी व्हीकल्स हैं जितने भी हम जो है वो व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो उसके अंदर हम पेट्रोल एज ए एनर्जी के तौर पर, डीजल जो है बड़ी गाड़ी बड़ी जो है आपके पास व्हीकल्स होती है उसके अंदर डीजल एज ए व्हीकल एज अ जो है एनर्जी के तौर पर हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है टू पुश द शॉपिंग ट्रॉली। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर शॉपिंग ट्रॉलीज होती है, आप उसके अंदर सामान अपना जो है सामान लोड करके आप उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वहाँ पर भी आप एनर्जी लगा रहे होते हैं। द बॉय नीड एनर्जी फ्राम द फूड। अब ये जो हम एनर्जी जो है कहाँ से हासिल करते हैं, हम ह्यूमन बींग जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं अपने खाने से, ठीक है बेटा। तो बेसिकली एनर्जी की डेफिनेशन वही है, लेकिन इसको यहाँ पर दूसरे अल्फाज के अंदर और इसको डिस्क्राइब किया गया कि हम एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है और कैसे जो है ना हम उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। बट आगे चलते हैं, आपके पास जो है ना एनर्जी की बेसिकली बेटा टू फॉर्म्स होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन आपके पास होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हमें इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है उसको मालूम करना है। यहाँ पर जो है आपका बुक पेज नंबर 3 है जो है, इसको मैं कोट करता हुआ चलूँ, ये मैंने वहीं से लिया है। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू वर्क। कहता है कि बहुत सारी जो है एनर्जी की टाइप्स है जिसको हम यूज़ करते हैं काम के लिए। दीज कैन बी कन्वेंशनली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। अब इनको जो है डिवाइड कर दिया गया है बुनियादी तौर के ऊपर दो ग्रुप्स के अंदर, इनके दो ग्रुप्स बना दिए, क्योंकि हमें जो है मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अब कौन सी किस जो है वो किस कैटेगरी की है उसको जो है इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, तो ये सारी की सारी एनर्जीज है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब साइंस के अंदर इनको क्या किया गया, इनके दो कॉलम्स बना दिए गए और इनको जो है इनकी स्किल्स और इनकी सिमिलरिटीज़ और इनकी जो है सिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर इनको क्या किया गया, अलग कर दिया गया है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर कौन कौन सी जो है आती है एनर्जी उसको जो है हम डिस्कस करेंगे और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है। लेट्स मूव फॉर द डिफरेंस। Imagine you have a ball which you throw upwards. As the ball travels upwards, we say that it has kinetic energy. Kinetic energy is a form of energy possessed by a body due to its motion. Therefore, anything that moves has kinetic energy. Such as a car traveling on the road and a plane flying in the sky. Even you possess kinetic energy when you walk or run. In fact, the faster a body moves,
the greater its kinetic energy. Therefore, when you run, you have more kinetic energy than when you walk. When a body stops, there is no more kinetic energy. When you come to a stop, or when the car stops moving, kinetic energy becomes zero. If we now raise the ball to a certain height and release it, what happens? It starts falling downwards, right? It starts from a position of rest and then gains speed when you let it go. In other words, it starts with zero kinetic energy and then gains some kinetic energy. Where does this kinetic energy come from? This energy, which is stored in the ball, is called potential energy. Potential energy is a form of energy stored in a body due to its position. Let's have a closer look. Here, the position is the ball's height from the ground. When you release it, the potential energy converts to kinetic energy. In fact, the higher the ball, the larger its potential energy. That is why, if we raise the ball to a greater distance from the ground and release it, it will hit the ground harder. Let's look at another example. Look at this slingshot. It has stored energy with which it can throw the bird up to a certain distance. Based on its position in the slingshot, we can say the bird has potential energy. As soon as it's released from the slingshot, it gains kinetic energy. And because of kinetic energy, it is able to apply force on the little houses to break them down. Time for an exercise. Who has the greatest potential energy? Bubbles has the most potential energy because she is at the top. We know that potential energy increases with the increase in the distance of a body from the ground. Let's summarize. Potential energy is the energy of a body due to its position. Kinetic energy, on the other hand, is the energy of a body due to its motion. Potential energy mostly depends on the distance of a body from the ground. Kinetic energy depends on its speed.